बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान आलू के पराठे की रेसिपी, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना के दे सकते हैं। काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए ये सॉफ्ट रहते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए हैं, जिनको बॉईल कर लेने के बाद ठंडा कर लिया है और पील ऑफ कर लिया है। अब ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेंगे हम। तो बिल्कुल बारीक ग्रेटर का मैंने इस्तेमाल किया है इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप में एक बॉल ले लेंगे, जिसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज़ का अंडा और इसको हम बीट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अंडे का इस्तेमाल करी हूँ, जिनको एलर्जी को अंडे से तो इसमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये ग्रेट किए हुए आलू। तो इस तरह के आलू के पराठे बनाने के लिए आपको बिल्कुल बारीक वाला ग्रेटर का इस्तेमाल करना होगा, जिससे इसमें बिल्कुल लम्स ना रहें। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को मैंने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे नमक हसबे ज़रूरत, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा जो कि जाएगा 1 टीस्पून। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो कि जाएगी 1 टीस्पून ही। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें चाट मसाला जो कि जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। तो चाट मसाला और मिर्चें कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं। इस स्टेज पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे मिक्स फ्लावर। तो सबसे पहले तो हम इन तमाम चीज़ों को वेल कम्बाइन कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे मिक्स फ्लावर जो कि मैंने ले लिया है 2 कप। तो 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और 1 कप मैंने मैदा लिया है। दोनों को मिक्स कर लेने के बाद इन तमाम चीज़ों के साथ मिक्स कर लिया है। तो अब इस स्टेज पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून, और इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। तो इस आटे को गूंदने के लिए आपको कोई भी लिक्विड चीज़ की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंडा इस्तेमाल ना करना चाहें तो दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, तमाम चीज़ों को मैंने डाला है और बस मिक्स कर लिया है। इसमें आपको कोई लिक्विड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब आटे को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो सीलिंग शीट को रिमूव कर लेंगे और हम इसमें से इक्वल साइज़ के पेड़े निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के पेड़े निकाल रही हूँ। छोटे बड़े साइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितने बड़े चाहें उस तरह से आप पेड़े निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, यह है हमारे कुछ पेड़े का साइज़, मीडियम साइज़ का पेड़ा है ये हमारा। और अब हम इसको थोड़े से फ्लावर के साथ डस्ट करेंगे। तो यहाँ पे काउंटर के ऊपर मैंने थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लिया है, और यहाँ पे देखें हल्का सा इस पेड़े को उठा के मैंने इस फ्लावर के अंदर थोड़ा सा कोट कर लिया है। अब हम इसको बेल लेंगे। तो सिंपली आपने बहुत ज़्यादा ना तो पतला बेलना है और बहुत ज़्यादा ना तो मोटा, तो बस एक मीडियम सा हमने इसको बेल लेना है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को अभी कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किन किन कंट्री से आप लोग देख रहे हैं, अपने प्रेजेंस कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो देखें, एक चंगेर सी बना ली है पेड़े की, और अब हम इसको सिंपली बेल लेंगे इस तरह से। और ये मैंने देखें इस तरह से बेल लिया है। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे तवे को प्रीहीट कर लिया है, जिसके ऊपर मैंने ये बिली हुई रोटी को डाल दिया है। अब हमने इसको तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो यहाँ पे इसको पहले कच्चा पक्का कर लेंगे, फिर ही हम इसको सेकेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसको मैंने पलट लिया है, और पलटने के बाद भी हमने इसको इसी तरह से पकाना है। तो यहाँ पे अलट पलट करते हुए इसको हम पहले सेक लेंगे, जब तक कि इसमें स्पॉट्स नहीं आ जाते। तो यहाँ पे देखें, दूसरी तरफ से हल्के हल्के स्पॉट आने शुरू हो गए हैं, तो इसको भी हम पलट लेंगे। तो ये देखें, स्लाइटली इसमें गोल्डन से मार्क्स आ चुके हैं इस स्टेज के ऊपर। आप चाहें तो घी लगा लें या तेल लगा लें, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ घी, और घी का 1 टेबल स्पून मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। और लगाने के बाद ना अब हम इसको सेक लेंगे हल्की आंच पे। तो सबसे ज़्यादा आसान रेसिपी आलू के पराठे की जो है वो यही है, जिसके मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ना तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत पड़ती है, सिंपल से आप इसको मिक्स कर लीजिए और पेड़ा बनाएं, और सिंपली आप इसको सेक लें इस तरह से। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी रेसिपी है, क्रिस्पी जितना करना चाहें आप इसको क्रिस्पी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, सिंपल ईजी आलू के पराठे की। पराठा हमारा सिक चुका है, तो इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के तमाम पराठे बना के तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में भी हैं बच्चे तो इस तरह की रेसिपीज़ को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो ये लीजिए, हमारे मज़ेदार से पराठे बन के तैयार हैं, जिसको आप लहसुन मिर्च की चटनी के साथ, अचार के साथ और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप इसको एक दिन भी रख के खा लेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखें कितने सॉफ्ट हैं ये, तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए है परफेक्ट रेसिपी। ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। रेसिपी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, और मजीद रेसिपीज वीडियो जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।